बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो वेलकम टू पाकिस्तान हिल्स एंड फूड, और मैं हूं आमिर ज़ुबैर आपके साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूं पेसल के मुकाम पे, और यहां पे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है मून रेस्टोरेंट। तो यहां पे चलते हैं और आपको मज़ेदार यहाँ पर खाने दिखाते हैं, क्या क्या यहाँ पर मज़ेदार खाने हैं, और साथ में उसका कुछ रिव्यू भी आपको देते हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे मेन कैंपिंग साइट जो है वो यहाँ पर है बेसल के मुकाम पर। तो आप नारान आएँ और यहाँ पर आके मज़ेदार झील लोलोसर और बाबूसर से वापसी पर आप यहाँ पर मज़ेदार खाना भी खा सकते हैं। तो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जी मून रेस्टोरेंट। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के सिटिंग जो है वो भी बड़ी कंफर्टेबल उन्होंने रखी हुई है, चारपाइयाँ वगैरह बिछाई हुई हैं, चेयर्स हैं, जो जैसा बैठना चाहे। और सबसे ज़्यादा आपको रश जो है वो यहीं पे आपको मिलेगा, बाइकर्स जितने भी हैं वो भी यहीं पे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर कैंपिंग साइड है। आप यहाँ पर कैंप लगाएँ, ईजीली नाइट स्टे करें, और बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट है। यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, और फैमिलीज़ यहाँ पे बैठती हैं, खाना खाती हैं, और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो जी देखते हैं यहाँ पे हो क्या क्या रहा तैयार। तो ये इनका सिटिंग एरिया सारा, जहाँ पे ये बैठ के आप सिटिंग करके आराम से इजीली खाना वगैरह खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर लगा हुआ है जी फूड के लिए, सैलड्स वगैरह लगी हुई हैं, डिफरेंट तरह की सैलड्स हैं जिस तरह की आप लेना चाहें। रेट वगैरह भी इनसे पूछते हैं कि क्या क्या रेट है यहाँ पे सैलड का। यह है मेन रिसेप्शन है, और यहाँ से आप एंटर होते हैं अंदर, दोनों तरफ सिटिंग है, और इसके साथ यहाँ पे आपको ये ओपन किचन है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? हैदराबाद से। यहाँ पे कैसा लगा आपको नारान? मज़ा आया आपको, इंजॉय किया आपने? तो यहाँ पे खाना वगैरह खाया आपने, कैसा खाना? अच्छा, चले आप ट्राई करें, फिर आपसे पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ओपन किचन है यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों के सामने तैयार हो रहा है, बन रहा है, और सब कुछ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे चाय है, बिरयानी है जो कि सर्विंग के लिए जा रही है। ये आ गई बिरयानी, बिरयानी है भैया, बिरयानी। हाँ जी, क्या क्या है जी? ये चिकन कढ़ाई है। अच्छा, नहीं जी, चिकन कढ़ाई भी आपको मिली। कितना किस तरह रेट क्या है जी इसका? 650 की हाफ के जी। क्या क्या कर रहे हैं जी? जिंजर, चिकन जिंजर। यहाँ से हो गई चाय तैयार, जा रही है चैनल में तोफैल चाय वाला, मून रेस्टोरेंट की स्पेशल चाय। चपली कबाब तैयार कर रही है जी? नहीं जी, चपली कबाब की तैयारी हो रही है जी। इसमें क्या क्या मसाला डाला हुआ है जी आपने? अजवाइन, जीरा, प्याज, हरा धनिया, सब मरे। ठीक हो गया जी, करें जी आप तैयार। जी आलू कीमा सब्जी, सब्जी मिक्स, मिक्स सब्जी, ये दाल माश आ गई।
चिकन कढ़ाई ये क्या जी बीफ लो अस्सलाम वालेकुम भजन क्या हाल है आपके ठीक ठाक हैं तो भजन आप यहाँ पे खा रहे हैं खाना मून रेस्टोरेंट पे तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी आप दाल माछ मिक्स सब्जी और अब ये मेरा चीज़ वगैरह ये क्या है कबाब है जी चीज़ कबाब रेशमी कबाब तो क्या आपको पसंद आया सबसे ज़्यादा अच्छा तो कहाँ से तशरीफ लाए आप कराची से तो कैसा लगा यार आपको यहाँ पे नारायण में मज़ा आया और खाना कैसा लगा यहाँ का अच्छा लगा चलें आप खाने को एंजॉय करें जी थैंक यू वेरी मच क्या चीज़ क्या कर रहे हैं जी क्राउड है क्राउड आपको यहाँ पे मिलेगी कितना है जी क्राउड 3200 रुपये किलो है 3200 रुपये किलो है ये फॉर्म वाली है लेक वाली नहीं लेक वाली नहीं लेक वाली तो पर बैन लगा हुआ है ना बैन लगा तेल बाहर निकले हो जा दोस्तों ये है ट्राउट कस्टमर उनके टेबल तक सर्विंग के लिए जा रही है पेपर फाइल में रख के जा रही है ताकि किसी की तरह ठंडी ना हो जाए और गर्मा गर्म मिले और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं फ्राइज कबाब मसाले की ग्रेवी तैयार हो रही है क्या तैयार कर रहे हैं जी मंचूरियन दोस्तों अपने यहाँ पे चाइनीज में होगा चिकन मंचूरियन क्या क्या डाल रहे हैं जी आप पहले तड़का लगाया लहसुन का फिर चिली सॉस और केचप डालिए फ्राइड राइस है जी बारबेक्यू एरिया और यहाँ पे आपको ये मुकम्मल चिकन है जी आपका ये किस तरह ये मुकम्मल चिकन सजी है सर सजी है किस तरह से है क्या रेट है इसके 1200 रुपये की मुकम्मल और इसका लेग पीस इससे क्या रेट है 290 और इसके अलावा ये क्या क्या है जी चिकन पीस है चिकन रोटी है मलाई रोटी है चिकन कबाब है रेशमी कबाब है दोस्तों यहाँ पे हमने मंगवाए हैं चिकन मंचूरियन प्लस फ्राइड राइस और इसके साथ हमारे साथ हैं रेशमी कबाब मलाई बोटी और स्पेशल यहाँ का लोबिया ज़बरदस्त लोबिया और मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेगम को भी पसंद आया क्योंकि लास्ट ईयर हमने किया था खाया था इसको नारायण में तो हमें मज़ा आ गया था खाने का ऑसम टेस्ट है इसका ठीक है और अभी हम हैं बेसल में मून रेस्टोरेंट में तो अभी आपको यहाँ का रिव्यू देते हैं खाने का और इसके साथ हमने मंगवाई है सैलड भी स्पेशल सैलड एंट्री तो उसका भी आपको रिव्यू देते हैं और अगर आप देखें तो आप बड़ी मज़ेदार जगह पे बैठ के खा रहे हैं लोकेशन इतनी आला है ना कि खाने का मज़ा आ जाता है ले जी ये आ गई सैलड मज़ेदार स्पेशल सैलड लोकेशन देखें ना सामने आप जहाँ बैठ के खा रहे हैं तो आप कहते हैं ओहो खाने का लुत्फ दुबाला आपके आगे खाना पड़ा और साथ में पहाड़ क्यों बेगम जी क्या ख्याल है खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है ये तो आप टेस्ट करते हैं तो बताते हैं
नहीं, आपको देते हैं रिव्यू खाने का। शुरू करेंगे फिर आप? मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जी लोबिया से। स्पेशल लोबिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट। बिस्मिल्लाह। और मैंने कश्मीर में भी ट्राई किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने रिव्यू भी नहीं किया था। तो यहाँ का ये स्पेशल है क्योंकि ये देसी घी में तैयार करते हैं इस लोबिया को, और ये कागानी लोबिया है, फेमस लोबिया यहाँ का। और फिर कैसा है जी? सेम टेस्ट है यार, कोई फर्क नहीं है टेस्ट में, एज इट इज ऑसम। कोई स्पेशल ही रेसिपी है पूछनी चाहिए वैसे? वाकई मुझे भी पूछ के बता दे। पूछता हूँ यार, अभी रेसिपी का रिश्ता, लेकिन टेस्ट की बात मुझे कमाल है, प्रति बार भी फर्क नहीं है। चलें फिर अब आप राइस टेस्ट करें। राइस करते हैं, हमने लास्ट टाइम का चाइनीज ट्राई बिल्कुल भी नहीं किया था। मंचूरियन और प्लस फ्राइड राइस। अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। मतलब कि आपको पूरे नारायण में अगर अच्छा खाना खाना है ना, तो इससे अच्छी प्लेस नहीं मिल सकती। और बहुत सारे आपको लेफ्ट राइट बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन बेस्ट और ओरिजिनल यही है। अच्छी जगह पे आए, पैसे तो खर्च करने ही है हर जगह पे, लेकिन अच्छी जगह पे आए, अच्छा खाना खाएं और मजा आ जाएगा। मलाई बोटी बताएं जी कैसी है? मलाई बोटी, ओहो हो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, पूरी तरह जूसी है और बहुत मजेदार है। नमक मिर्च मसाला गले को नहीं पड़ रहा, वरना नॉर्मली मैंने कहीं और से खाया था तो वो गले को पड़ रही थी। ये आगे जी रेशमी कबाब, हर चीज यहाँ पे बेस्ट है, क्वालिटी वाइज ऑसम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सैलेड भी टेस्ट करके बता दें, क्योंकि ये फ्रूट सैलेड लग रही है यार। सैलेड तो वैसे देखो आप कितनी साफ सुथरी है, और जगह भी इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। हाँ सैलेड बार तो है जबरदस्त, साफ सुथरा सैलेड तो है ही बहुत अच्छी। यहाँ की हर चीज़ खाना वगैरह साफ सुथराई हर चीज़ बहुत अच्छी है। आउट स्टेशन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू आपको होता है कि हाइजेनिक का, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है हाइजेनिक का, क्योंकि यार साफ़ सफाई का ये बड़ा बड़ा इशू होता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, खाना साफ़ सुथरा है, सबसे मेन चीज़ ये है। पैसे हमने हर जगह पे खर्च करने हैं, देने हैं, लेकिन अच्छा खाना ना मिले तो मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अच्छे खाने के साथ अच्छी लोकेशन भी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीलॉग में। अपना और अपने तमाम दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आने वाले वीलॉग्स में इससे भी मज़ीद अच्छी लोकेशंस कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे खाने सर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमें दें इजाज़त, तो अभी हम खाएँ खाना, फिनिश करें और उसके बाद आगे की तरफ सफ़र को रवाना करें। तो खाना बेस्ट है यहाँ का।